ओके तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने अपने PUBG ग्लोबल को ओपन कर दिया और ये मेरा 1.4.0 का लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने किसी भी तरीके का कोई भी VPN यहाँ पर कनेक्ट नहीं करा हुआ और आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा जो है वो गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का मोड भी आप लोगों को दिखता होगा स्क्रीन पर। और अगर दोस्तों मैप की बात करूँ तो यहाँ पर बिंदास डॉलर और बिना किसी VPN के। ओके तो गाइस यार, कल के दिन मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप PUBG मोबाइल के लेटेस्ट वर्जन 1.4.0 को किस तरीके से अपडेट कर सकते हो। हालांकि दोस्तों यहां पर 70% लोगों की प्रॉब्लम उस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो गई, लेकिन कुछ 30% ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। वो गेम डाउनलोड कर पा रहे हैं, लॉग इन नहीं हो रहा है, मैप डाउनलोड नहीं हो रहा है, एरर हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, ऐप जो है वो इंस्टॉल होते होते जो वो फेल्ड हो जा रहा है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा सॉल्यूशन बताने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से PUBG मोबाइल के लेटेस्ट वर्जन 1.4.0 के अपडेट को अपडेट कर सकते हो। आगे बढ़ो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को ऐसे ही देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, तो भाई आप एक लाइक कर दिया करो। आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड भाई, अगर आप चैनल पे मेरे भाई पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से क्लिक करके बगल में एक ऑल का ऑप्शन होता है, क्योंकि मैं दोस्तों आप लोग के लिए ना इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो PUBG मोबाइल से रिलेटेड इस चैनल पे डालता रहता हूं और भाई आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो PUBG के लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले चलना है सेटिंग में अपने। ओके, और सेटिंग में जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल है, जी हाँ 1.3 का अगर आपके पास वर्जन इंस्टॉल है, आपको डिलीट करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। आपको आ जाना है सेटिंग में एंड सेटिंग में आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट के अंदर। एंड ऐप मैनेजमेंट के अंदर आपको ऐप लिस्ट में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर। ओके, एंड यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों स्टोरेज में चलना है एंड यहाँ पर आपको क्लियर डेटा कर देना है, सारे डेटा को क्लियर कर देना है। ओके, एंड क्लियर डेटा करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कोई भी VPN को अपने ओपन कर देना है। मेरा फेवरेट VPN सोलो है, तो मैं सोलो VPN को जाऊँगा और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा। और यहाँ पर दोस्तों ना आप कोई भी सर्वर सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं जो सर्वर सेलेक्ट करने वाला वो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट का करूँगा। तो सोलो VPN को कनेक्ट करने के बाद और यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का डेटा को क्लियर करने के बाद आपको आ जाना है गूगल प्ले स्टोर के अंदर। एंड गूगल प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद हो सके तो आप अपने एक नए ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना अगर आपके पास हो तो, नहीं तो फिर भी दोस्तों अगर आपका 2-3 ईमेल आईडी हो तो आप कोई भी एक स्विच करोगे तो आपका आ ही जाएगा, नहीं आए तो अल्टीमेटली आपको नया बनाना पड़ेगा। तो आपको PUBG मोबाइल सर्च करना है एंड जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको PUBG मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो कि फिलहाल दोस्तों मेरे को प्ले का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अपडेट करके रखा हुआ है, आप लोग सभी जानते हो। तो जब यहाँ पर मैं अबाउट गेम पर चलता हूँ तो यहाँ पर अभी मेरा वर्जन आप लोग देख पा रहे हो कि 1.4.0 का अपडेट यहाँ पर मेरा आ चुका है, आप लोग देख पा रहे हो, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है। एंड यहाँ पर दोस्तों मेरे को प्ले का ऑप्शन आ रहा है, तो आप भी दोस्तों आप अगर यहाँ पर जाकर करोगे तो आपको फोन में अगर 1.3 का अपडेट होगा तो यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन शो करेगा, तो सिंपली आपको अपडेट पर क्लिक कर लेना है अगर आपका प्रीवियस अपडेट है तो। उसके बाद आपको ज़्यादा MB वगैरह खर्च नहीं करना पड़ेगा, बिंदास यहाँ से बड़ी आसानी से अपडेट कर लोगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही मतलब बोले तो साधारण सा प्रोसेस है जिससे आप गूगल प्ले स्टोर से जी अपने PUBG मोबाइल के 1.4.0 वर्जन को अपडेट कर सकते हो। मैं एक बार आपको फिर से अबाउट में जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरा वर्जन आप लोग देख पा रहे हो कि 1.4.0 वाला लेटेस्ट अपडेट मैं यहाँ पर अभी खेल रहा हूँ। तो गाइस, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो भाई मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अगर आपके गेम में फिर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एरर आता है, तो भाई आप सोलो VPN का यूज़ कर सकते हो। आप वहाँ पर वियतनाम का सर्वर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप अपने गेम में लॉग इन हो जाना एंड लॉग इन होने के बाद आपको अपने VPN को डिस्कनेक्ट कर देना। उसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैप्स वगैरह डाउनलोड करने में कुछ इशू हो तो आप एक बार फिर से कनेक्ट करा लेना VPN। सो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।